दोस्तों, रावण को जब भी सिंहासन पर दिखाया जाता है तो उसके पैरों के पास कौन लेटा होता है क्या आपको पता है? तीनों लोकों में रावण से विद्वान दूसरा कोई न था। वो महान शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का प्रकांड पंडित, वो तंत्र मंत्र में भगवान शिव के समान एक अजय योद्धा था। रावण को यह भी मालूम था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके अलावा उन्हें कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव भी ऐसा कतई नहीं करते, क्योंकि रावण उनका परम भक्त था और श्री हरि की उस पर कृपा थी। रावण ये भी जानता था कि उसकी मुक्ति का मार्ग केवल श्री हरि के द्वारा ही संभव है। नाभि में अमृत होने के कारण रावण अमर था। युद्ध में उन्होंने यमराज को भी हरा दिया था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लंका में सभी पराजित देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने न केवल देवताओं को पीड़ा दी, बल्कि नवग्रहों को अपनी मुट्ठी में धारण कर उन्हें लंका भी ले गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रह को ऐसे घरों में रख लिया था ताकि अजन्मा बच्चा अजर अमर हो जाए। लेकिन तब शनि भगवान ने ऐसी चाल चली जिसकी वजह से वो मेघनाथ के जन्म के ठीक पहले एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर गए। इस कारण मेघनाथ अजर अमर नहीं हो सका। ये देख रावण बेहद क्रोधित हो उठा और उसने पैर के पर गदा से प्रहार कर दिया। और उसके बाद रावण का क्रोध कम नहीं हुआ तो शनि का अपमान करने और लंका को शनि की कुटिल निगाहों से बचाने के लिए रावण ने उसे अपने सिंहासन के सामने पटक कर उसका चेहरा जमीन की ओर कर दिया, ताकि न तो वो कभी शनि का चेहरा देख पाए और ना ही शनि की नज़रें और किसी पर पड़ सके। रावण सिंहासन पर बैठते समय पैर रखने के लिए शनि की पीठ का इस्तेमाल करता था। इस तरह सिंहासन से उड़ते समय बैठे हुए रावण ने अपने पैर शनि भगवान और अन्य ग्रहों के शरीर पर रखे और जानबूझ पर उन पर जुल्म किए। कहा जाता है कि कई वर्षों के बाद जब हम हनुमान सीता माता की खोज में लंका गए तो उन्होंने नवग्रह को रावण की कैद से मुक्त कराया। और कहा जाता है कि रावण की लंका से बाहर निकलते समय शनिदेव ने लंका पर अपनी कुटिल निगाह डाली और परिणाम स्वरूप रावण की लंका सोने की लंका जलकर राख हो गई। इससे प्रसन्न होकर बजरंगबली ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और शनि ने हनुमान को उनके भक्तों के जीवन की परेशानियों को दूर रखने का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार बजरंगबली के भक्त के ऊपर कभी शनि की दुष्परिणाम नहीं होता। इसलिए दोस्तों, भगवान की अगर सेवा करो तो पूरी श्रद्धा के साथ करो, क्योंकि अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो आपकी भी हालत वही होगी जो महान प्रकांड विद्वान रावण की हुई थी।